अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गगन बिसेन ने अनावेदक पार्टनर उमेश चिरोलिया में कृष्णा डेवलपर्स के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कॉलोनी का निर्माण किए जाने के आरोप में कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पत्र मध्य प्रदेश राजपत्र 24 दिसंबर 2014 अध्याय 2 की खंडिका 7 में वर्णित प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया तथा तहसीलदार दमोह को निर्देशित किया है कि अनावेदक के विरुद्ध अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा कर कॉलोनी निर्माण करने में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराएं एवं अनावेदक द्वारा किए गए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को 3 दिवस के अंदर अतिक्रमण से मुक्त कराई जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएं। ज्ञातव्य राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी मौजा सिंहपुर द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि अनावेदक मेरसर्स कृष्णा डेवलपर्स पार्टनर उमेश चिरोलिया निवासी सिंहपुर द्वारा खसरा नंबर 311/2/2 रकवा 1.48 हेक्टेयर मध्य प्रदेश शासन भू जल में तालाब से लगकर बाउंड्री निर्माण कर शासकीय भूमि में रकवा 0.10 है भूमि पर अतिक्रमण किया गया एवं NGT की गाइडलाइन एवं दमोह मास्टर प्लान के अनुसार जल संरचना के आसपास बफर दूरी में निर्माण किए जाने का उल्लंघन किया है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। हल्का पटवारी सिंहपुर द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया था कि सिंहपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 324/1/1, 324/3/1/1 और 324/8/1 जो भूमि है इस पर एक कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। कॉलोनाइजर को के द्वारा जो तालाब है सिंहपुर तालाब है उसकी मेड़ को भी अपनी परिधि में ले लिया है और जो हमारे मास्टर प्लान है उसके 15 मीटर दूरी का भी उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। तत्संबंध में अनावेदक को नोटिस जारी किया गया और उपस्थित होकर उनसे जवाब तलब किया गया। उनके द्वारा जवाब संतोषप्रद नहीं होने से उनके कॉलोनाइजर लाइसेंस निरस्त करने की आदेश जारी किया गया है और साथ ही तहसीलदार दमोह को जो उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने के लिए आदेशित किया गया है कि वो नियमानुसार इसको कार्यवाही कर हटा दें तथा संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.